द लाइन, प्रोजेना, सिंडाला और ऑक्सागोन। ये है सऊदी अरेबिया का नियोम प्रोजेक्ट, जो सऊदी के फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न सिटी का सबसे बड़ा सपना है, जिसके साथ ही इसे सस्टेनेबिलिटी और यूनिकनेस के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत के बाद इसके कई ट्रेलर और वीडियो दुनिया भर के लाखों लोगों ने देखे, लेकिन आज की डेट में इसके करेंट प्रोग्रेस के बारे में अपडेट किसी को नहीं पता। आखिर वास्तव में चल क्या रहा है नियोम में और कितना काम हुआ, साथ ही कब तक बन पाएगा ये सऊदी का विजन 2030? तो चलिए पता करते हैं आज के इस वीडियो में, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। पहली बार 2021 में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस अमेजिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की। उसके बाद से ही द लाइन फ्यूचरिस्टिक सिटी को दुनिया का अब तक का सबसे एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जो एक सीधी लाइन वाला दुनिया का पहला इस तरह का मॉडर्न शहर होगा, साथ ही जो रेड सी से लेकर पूर्व में ताबुक प्रोविंस तक 100 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैली होगी, जिसमें 500 मीटर ऊंची दो दीवार जो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, जहां जरूरत की हर चीज मात्र 10 मिनट की पैदल दूरी पर मिल जाएगी, साथ ही पूरे शहर में एक भी कार या रोड नहीं होगी, जो इसे दुनिया की पहली जीरो कार्बन एमिशन सिटी बनाता है, जिसे देख हर कोई हैरान था। इसके बाद लोगों के अलग अलग रिएक्शन आना तो तय था, लेकिन उसके कुछ समय बाद सऊदी सरकार ने अक्टूबर 2022 में फाउंडेशन वर्क की बहुत सारी ड्रोन फुटेज रिलीज की, जिससे लगा कि मानो नियोम में काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन तब से अब तक कितना काम हुआ उसकी एक्चुअल प्रोग्रेस के बारे में ज्यादा जानकारी आज भी नहीं है। तो सवाल ये है कि आज ये कैसा दिखता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल द लाइन फ्यूचरिस्टिक सिटी पर वास्तव में बहुत काम किया गया। प्रोजेक्ट के वर्किंग डायरेक्टर ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि फाउंडेशन का लगभग 20% काम पूरा हो चुका है, साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट पर फ्यूचर में होने वाले कामों के लिए जरूरी रोड, ऑफिस और लॉजिस्टिक्स हब का काम भी चल रहा है। इन सभी वर्क्स को द लाइन प्रोजेक्ट के आसपास की सैटेलाइट इमेजेस में भी देखा जा सकता है, जिसे देख के कहा जा सकता है कि पिछले साल की तुलना में इन साइटों में वास्तव में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिससे अब ये अपने आप में एक शहर जैसा दिखने लगा है, जिसमें रोड, हाउसिंग यूनिट, स्कूल, मस्जिद, फैसिलिटी स्टोर और एक बस स्टेशन भी शामिल हैं। साथ ही शुरुआत से लेकर अंत तक की फाउंडेशन को पूरी तरह से देखा जा सकता है। हिडन मरीना नाम के सऊदी के तटीय भाग पर भी खुदाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। एक बार पूरा हो जाने के बाद ये एरिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरीना बन जाएगा, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप द वंडर ऑफ द सी के मुकाबले दोगुने आकार तक की मेजबानी करने में सक्षम होगा। आज की डेट में हिडन मरीना के काम को दुनिया के सबसे बड़े खुदाई प्रोजेक्ट के रूप में माना जा रहा है, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट तक रास्ता बनाने के लिए हर दिन 1,00,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदी जा रही है और इसकी खुदाई पिछले साल से ही चल रही है। इसके अलावा स्ट्रक्चर के लिए पाइलिंग का काम भी शुरू हो गया है। पिछले साल द लाइन में 4,500 से अधिक पाइल्स लगाए गए, जिन्हें आने वाले समय में और भी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगले कुछ महीनों में निर्माण कार्य में और भी तेजी आएगी। द लाइन फ्यूचरिस्टिक सिटी का अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम, जिसे 10 पाइन के नाम से जाना जाता है, जिसमें और भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां जून 2023 में पूरे सिस्टम के एरिया को काफी कम कर दिया गया, साथ ही अंडरग्राउंड टनल की लंबाई को भी 30 किलोमीटर तक कम कर दिया गया था, जिसमें शामिल स्टेशनों की संख्या को भी घटाकर 48 से केवल 9 कर दिया गया, जिसका सबसे मुख्य कारण पैसे की कमी थी। सऊदी अरेबिया का सारा पैसा सीधे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें से फिलहाल $700 बिलियन अभी इस प्रोजेक्ट को बनाने में और लगाने बाकी हैं। साथ ही द लाइन सिटी के बाकी कंपनियों के साथ भी एग्रीमेंट चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से खुदाई और फाउंडेशन का काम शामिल है, जिसमें कुछ बड़े नाम जैसे यूके से केलर ग्रुप, जर्मनी से बाउर ग्रुप और फ्रेंच ग्रुप बाची सोल्टेंचे शामिल हैं। साथ ही सरकारी स्वामित्व वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पावर चाइना भी कराए जा रहे मौजूदा पाइलिंग के काम में लगी है। हालांकि इटालियन कॉन्ट्रैक्टर वेबिल्ट और सऊदी की अपनी साजोको कंपनी, जिसे हाल ही में हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो द लाइन फ्यूचरिस्टिक सिटी को सीधे ऑक्सागोन से जोड़ेगी,
लेकिन तमाम वादों और ग्राउंड प्रोग्रेस के बावजूद अभी भी लोगों के मन में द लाइन फ्यूचरिस्टिक सिटी को लेकर काफी सवाल हैं, जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। अब एक नजर डालते हैं नियोम के अगले बड़े प्रोजेक्ट पे, जिसका नाम है ट्रोजेना। सऊदी के माउंटेन एरिया के बीच बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट को सऊदी अरब के स्कीइंग विलेज और लग्जरी रिसोर्ट के साथ ही विंटर डेस्टिनेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। इस माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट की घोषणा पहली बार 2022 में क्राउन प्रिंस द्वारा की गई, जो रेड सी के कोस्ट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट के सेंटर में एक बड़ी आर्टिफिशियल लेक को बनाया जा रहा है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए साइट पर कुल 1.6 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल की खुदाई पहले ही की जा चुकी है। ट्रोजेना का हार्ट कहे जाने वाले द वॉल्ट नाम के एरिया में भी काम तेजी से चल रहा है। ये ट्रोजेना का एक वर्टिकल विलेज है, जिसके लिए पास के पहाड़ों से खोदा जाएगा। प्रोजेक्ट के वर्किंग डायरेक्टर के अनुसार पहाड़ों से 10 लाख क्यूबिक से अधिक मटेरियल को पहले ही खोदा जा चुका है। मॉडर्न्स की विलेज की फाउंडेशन का काम भी पिछले साल से ही चल रहा है, जिसे देख के कहा जा सकता है कि ट्रोजेना के कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि बाकी प्रोजेक्ट से अलग ट्रोजेना को जल्द से जल्द पूरा कराना सऊदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले साल सऊदी अरेबिया को एशियन विंटर ओलंपिक गेम्स के मेजबानी के रूप में चुना गया था, जिसके लिए ट्रोजेना को 2029 से पहले पूरा कराना मोहम्मद बिन सलमान और उनकी टीम की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और केवल एक साल के अंदर ट्रोजेना में इतनी प्रोग्रेस को देख के कहा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया बहुत कम टाइम पीरियड में ट्रोजेना के प्रति काफी समर्पित दिख रहा है। लेकिन इन सबसे अलग ट्रोजेना के खिलाफ सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक पर्याप्त बर्फ का होना भी शामिल है। हालांकि पहाड़ों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच जाता है, पर फिर भी जरूरी नहीं कि बर्फबारी हो। इसके लिए इसकी रिसॉर्ट में पर्याप्त बर्फ को बनाए रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से आर्टिफिशियल बर्फ की मशीनों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जिसके लिए सऊदी को कुछ अलग उपाय ढूंढने होंगे। चलिए अब देखते हैं नियोम के सबसे खूबसूरत नजारों से भरे आइलैंड को, जिसका नाम है सिंडाला। नियोम का ये लग्जरी और एम्बिशियस आइलैंड प्रोजेक्ट, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, ये शहर के तट से कुछ दूरी पर स्थित नियोम के सबसे लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक होने वाला है। रेड सी आइलैंड के पास बनने वाले इस लग्जरी रिसोर्ट में बोट, शिप या पास के नियोम्बे एयरपोर्ट से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो नियोम का एक वर्ल्ड क्लास बोटिंग डेस्टिनेशन होने वाला है, साथ ही जिसमें 86 बर्थ मरीना की सुविधा भी होगी। ये आइलैंड 3 लग्जरी होटल, एक गोल्फ कोर्स और कई लग्जरी रेस्टोरेंट और दुकानों का भी घर होगा। पिछले साल दिसंबर में जब इसकी घोषणा की गई, तो ऐसी उम्मीद लगाई गई कि ये लग्जरी आइलैंड प्रोजेक्ट नियोम का बनकर तैयार होने वाला पहला प्रोजेक्ट होगा। इसके मेकर्स ने 2024 में आइलैंड में पहले मेहमानों का स्वागत करने की योजना बनाई है। सिंडाला की सफलता वास्तव में नियोम के बाकी प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल इसका उद्घाटन लोगों के लिए यह अनुभव करने का पहला अवसर होगा कि आखिर ये फ्यूचरिस्टिक शहर कैसा होगा और आगे इसका फ्यूचर क्या होगा, जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम वास्तव में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। गूगल इमेजेस और सैटेलाइट व्यू को देखने पर लगता है कि आइलैंड का अधिकांश भाग अभी तक बनाया जा चुका है, जिसमें सड़कें बनाई जा चुकी हैं और साथ ही बिल्डिंग और फाउंडेशन के लेआउट को भी पहले ही तय किया जा चुका है। आइलैंड के मरीना के आसपास के कुछ स्ट्रक्चर तो पूरे भी होने वाले हैं। इसके साथ ही गोल्फ कोर्स के लिए अधिकांश घास भी पहले से ही बिछाई जा चुकी है। इस एरिया में साइट पर काम करने वाले लोगों के लिए अलग से कई ऑफिस, लॉजिस्टिक्स हब और हाउसिंग यूनिट की व्यवस्था भी की गई है। नियोम के चारों बड़े प्रोजेक्ट में से सिंडाला में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं नियोम के चौथे सबसे बड़े प्रोजेक्ट ऑक्सागोन की, जो सऊदी के वेस्ट कोस्ट के पास एक तैरता हुआ इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी होगा, जिसको नियोम का फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल सेंटर भी माना जाता है। ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट में से एक में स्थित है, जो प्रोजेक्ट नियोम में आने वाले मालवाहक जहाजों का घर भी होगा, जिसे नियोम में बनने वाले मेगा सिटी का फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स सेंटर भी माना जा रहा है। $2 बिलियन के निवेश के साथ सऊदी अरेबिया 2025 तक ऑक्सागोन पोर्ट का पहला टर्मिनल खोलने जा रहा है।
लेकिन बिजनेस के अलावा ऑक्सागोन को रेजिडेंशियल बिल्डिंग, लग्जरी अपार्टमेंट और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी बनाया जा रहा है। पर इन सब बड़ी बड़ी बातों से अलग, वास्तव में ऑक्सागोन प्रोजेक्ट पर अभी केवल थोड़ा ही काम किया गया है। साइट की सैटेलाइट इमेजेस को देखते हुए कहा जा सकता है कि नियोम के इस प्रोजेक्ट के आसपास केवल कुछ बुनियादी ढांचे का ही निर्माण अभी तक किया गया है, जिसमें से भी कुछ स्ट्रक्चर पुराने डूबे हुए पोर्ट के बचे हिस्से हैं। जहां केवल साउथ की ओर एक ऑक्सागोन सेंटर को बनाया गया है, जो कि द लाइन और सिंडाला के इसके पास होने के कारण ही बना होगा। नियोम के बाकी हिस्सों की तुलना में ऐसा लगता है कि मानो ऑक्सागोन में ही सबसे कम काम किया गया है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, पर सऊदी अरेबिया अपने नियोम प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस नजर आ रहा है, जो अपने ट्रेलरों को वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। ये तो समय ही बताएगा कि सऊदी अरब के इस ग्रीन प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा। साथ ही नियोम के चारों प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है।